ना जय श्रम, वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो मनकर फर्स्ट राउंड हो किंबा सेकंड राउंड हो किंबा थर्ड राउंड हो, जो भी राउंड रे जो पिलामनकर अलॉटमेंट आसी सेमानको ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये जो वीडियो रे हमें बेसिकली डिस्कशन करिबा कौन ना नंबर वन पॉइंट, जो पिलामनकर अपग्रेडेशन हेची बा फर्स्ट राउंड रे अपग्रेडेशन ऑप्शन देथिले बा फ्लोट ऑप्शन देथिले, सेमानकर अपग्रेड होकर सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन आ कलेज किंबा सेकेंड राउंड फ्लोट ऑप्शन देते थर्ड राउंड अपग्रेडेशन किंबा जो पिला जमा अपग्रेडेशन आसीनी, तो से कौन कर पड़ो बा ओजी सेल को जब जी तेल कौन कौन डॉक्यूमेंट ने केबे जीवाक पड़ो कौन कौन तार प्रोसीजर रहिबो से विषय में कंप्लीट कथा एंड ट्रस्ट मी इन दिस वीडियो आई विल टेल ऑल द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जहाँ सब माइंड में अच्छे तुम्हारा। चलो तो प्रथम कथा होची तुम्हार जो शेड्यूल डेट ऑलरेडी तुमने जानिच बिकॉज यू ऑल आर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। सो डेट 17/10/2024 सतर तारीख आसी एंड जी कह आज शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोविजनल एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन आसी नोटिफिकेशन थर्ड राउंड काउंसलिंग क्लियर। सो कौन लिखाई ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव गॉट अलॉटमेंट इन थर्ड राउंड हैव टू रिपोर्ट एट द ओजेई सेल एट गंडमुंडा भुवनेश्वर क्लियर। तो थर्ड राउंड रे जो मानकर अलॉटमेंट आमको फिजिकली बा निजे को जीवाक पड़ो कौटी ना ओजेई सेल जोटा कि आमर भुवनेश्वर गंडमुंडा बा खंडगिरी गंडमुंडा भुवनेश्वर पाखे ओजेई सेल को जीवाक पड़ो। देख कौन कौन जिनस लिखाई सब जिन क्लीयरली आम ये बुझेबा। रिपोर्टिंग शेड्यूल भेन्यू हूँ ओजेई ऑफिस जीवा पड़ो तुम्हें डेट दिखाई कौन ना 19/20/21 देख 19/20/21 तीन दिन डेट दिखाई 19 तारीख में किए जी 20 तारीख में किए जी 21 तारीख में किए जी कौन डॉक्यूमेंट ने सब जिन क्लीयरली देखा 19/10/2024 19 तारीख में जो पिला ऑल द कैंडिडेट अपग्रेडेड इन सेकेंड एंड थर्ड राउंड न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट जो मैंने एससी मेडिकल कॉलेज से जीवा पड़ो 10:30 कौन ना फॉर एग्जांपल एक्स नामक गोटे पिला अच्छी वाई नामक गोटे पिला अच्छी जेड नामक गोटे पिला अच्छी। एक्स पिला कौन ना फास्ट राउंड रे सपोज से पाइला हूँ पुरी फास्ट राउंड रे पुरी वाई पिला पाइला छाड़ दियो फास्ट पिला एक्स जो पिला रहा से फास्ट राउंड रे पुरी पाइला पुरी पाइला से फ्लोट ऑप्शन देता फ्लोट ऑप्शन देकी जो ओजेई सेल को गला ओजेई सेल को गई से निजर एडमिशन कला बा प्रोविजनल एडमिशन कला परे प्रोविजनल एडमिशन लेटर धरला आसला किंतु से पिला को कौन है ना ठीक सेकेंड राउंड बेलू से जेहेतु फ्लोट ऑप्शन देता सेकेंड राउंड रे गोटे नुआ कॉलेज मिलगला एससीबी क्लियर ओके। तो वाई नामक पिला जी कि कौन ना सेकेंड राउंड बेलू धर तार सेकेंड राउंड बेलू मिलता ब्रह्मपुर सी भी सेमती फ्लोट ऑप्शन देता ओजेई सेल को जाता एडमिशन नहीं प्रोविजनल एडमिशन लेटर आनीता किंतु सी भी फ्लोट ऑप्शन देता थर्ड राउंड रे मिलगला एससीबी। आउ गोटे पिला जेड रहा जहाँ नुआ करी थर्ड राउंड रे फर्स्ट टाइम ताकू गोटे कॉलेज अलर्ट है एससीबी। तो ये तीन टा कैटेगोरी पिला जहाँ को फर्स्ट राउंड रो अपग्रेडेशन है कि सेकेंड राउंड एससीबी जहाँ को सेकेंड राउंड रो अपग्रेडेशन है कि थर्ड राउंड एससीबी जहाँ को नुआ करी फर्स्ट टाइम थर्ड राउंड एससीबी मिली सबू पिला जीवा पड़ो कौटना 19 तारीख दिन ओजेई सेल को 10:30 एससीबी क्लीयर बुझीगला। जो पिलाने प्रथम राउंड रे एससीबी पाई एंड से माने ओजेई सेल को जाते फ्रीज ऑप्शन देते एंड से मानकर एडमिशन फिक्स होता एडमिशन लेटर आसवाक पड़ो ना क्लीयर केवल डायरेक्टली कॉलेज जीवा पड़ो। जो पिलाने फर्स्ट राउंड रे एससीबी रे पाई सॉरी फर्स्ट राउंड रे सपोज ब्रह्मपुर रे पाई फ्लोट ऑप्शन देते किंतु अपग्रेडेशन हेलानी तेणुकरी ताकू भी आउ ओजेई सेल जीवाक पड़ो ना डायरेक्टली ब्रह्मपुर कॉलेज जीवा पड़ो जो भी डेट आस बुझेगा। जो मानक अपग्रेडेशन होने जी जो मैंने फ्रीज ऑप्शन होता से जीवा पड़ोनि कि जो मानकर अपग्रेडेशन ऑप्शन देते कि मिलनी से पड़ो ना क्लीयर सेमती डिफरेन्ट कॉलेज डिफरेन्ट डेट अच्छे 19 तारीख में तुमर को कॉलेज अच्छे देख एससीबी को जीवा पड़ो सेमती जदि गोटे पिला सेकेंड राउंड रे एमकेसीजी पाई अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन थर्ड राउंड रे अपग्रेडेशन नुआ करी नुह
ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ତ ପ୍ରଥମ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ନୂଆ କଲେଜ ଗୋଟେ ଆଲଟ୍ ହେଲା, ସେ ତ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ ନେଇକି ସରିଛି, ତା'ର ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ଯଦି କିଛି ନହେଲା ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ MKCG ମିଳୁ। MKCG ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 10:30-11:30 ଭିତରେ 19 ତାରିଖ, ଏସବୁ 19 ତାରିଖର ଡେଟ୍। 19 ତାରିଖରେ ତୁମର SCB, MKCG, ବୁର୍ଲା, କୋରାପୁଟ, ବାରିପଦା, କ୍ଲିଅର୍, ଆଣ୍ଡ ବଲାଙ୍ଗୀର। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଭାବିବନି କି ଧର ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତୁମେ 19 ତାରିଖରେ ତୁମ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି 20ରେ ପହଞ୍ଚୁଛ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତୁମ କଲେଜ ଭଲସେ ଏ PDFଟାକୁ ପୁରା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର, ଭଲସେ ଦେଖ, ତାପରେ ଡେଟ୍ଟା ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯିବ, ବୁଝିଲ ତ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଳିଛି, କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଳିଛି, କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି, ତାକୁ ସେଇ 19 ତାରିଖରେ 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। 20 ତାରିଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ, 20 ତାରିଖରେ ସେମ୍ କଥା କେଉଁଝର ଆଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଦେନ୍ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହେଇକି ପାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ହେଉ, ସେମାନେ ସେଇ 20 ତାରିଖ 12ଟାରୁ 1 ଭିତରେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିକି ଯିବ, ହେଲା। ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅଧିକା ଲେଟ୍ କରିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। SCB ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ କଟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଲର୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4ଟାରୁ 4:30, ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 6:30। 21 ତାରିଖ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି, ଅଲ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅପଗ୍ରେଡ଼ ଇନ୍ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପିଲାର ହାଇଟେକ୍ ରାଉରକେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବେଳକୁ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ହାଇଟେକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୟେସ୍, ସେ ପିଲାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଦିନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାଇଟେକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଳିଥିଲା, ସିଏ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାଇଟେକ୍ ରାଉରକେଲା ମିଳିଥିଲା, ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାଇଟେକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଳିଗଲା, ତାକୁ କେବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମ୍ 21ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 21ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡ୍ରିମ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଡ୍ରିମ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ସିଏ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ମାରିକି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ରାଉରକେଲା ମିଳିଲା, କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଡ୍ରିମ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ରାଉରକେଲା ମିଳିଲା, ତାକୁ କେବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଉରକେଲା ପାଇଁ 21 ତାରିଖରେ, ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ସ ପାଇଁ 21 ତାରିଖରେ, ହାଇଟେକ୍ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 21 ତାରିଖରେ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ NRI କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ 21 ତାରିଖରେ, କ୍ଲିଅର, ୟେସ୍। ତ NRI ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଚାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକିରି ଯିବ। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି କଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପାଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍, ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍, ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, କାଲି ଆସିଗଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ, ତ ସେଥିରେ ତୁମେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟା ତୁମର OJEEର ଯେଉଁ ଯାଇକି OJEE ସାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମର ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ। ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ ପେମେଣ୍ଟର 2ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଯଦି ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ୍ ହେଇଛି 37,950 ସେଇଟା ଦେଖିଦେବ ଟିକେ, ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ନହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ OJEE ସେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବ, କ୍ଲିଅର। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଛ ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟା ରଖିବ, ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟା ରଖିବ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଛ, କ୍ଲିଅର। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତୁମମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ତୁମକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10th ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 12th ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତା'ପରେ ହେଉଛି ତୁମର CLC କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ TC CLC, ଆକୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ତୁମର ବଣ୍ଡ ଆଉ ଆଫିଡେଭିଟି, ବଣ୍ଡ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ନୋଟାରୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ 21 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଠି ବଣ୍ଡ ଆଉ ଆଫିଡେଭିଟି ସେମାନେ ନିଜେ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ଉରିଡ଼ି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଣ୍ଡ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ ବି ବାହାରିଲା ସେମାନେ ସେଠି 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ନେବେ, ସେଠି ସେମାନେ କରିଦେବେ, ୟା ପାଇଁ କିଛି ଉରିଡ଼ି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ଲିଅର। ବଣ୍ଡ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଗଲା, ତା'ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତୁମର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ NEET ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇକି ଯାଇଥିବ, NEET ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫଟୋ ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ଇ ସବୁର ଜେରକ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକିରି ଯାଇଥିବ, କ୍ଲିଅର, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା।
टेन्थ प्लस टू आधार कार्ड आलटमेंट लेटर रेसीडेन्ट सर्टिफिकेट एंड तुमर कैटेगरी जो मानक अच्छी एससी एसटी एम सब कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं कि बॉन्ड एफिडेविट रेडी करके नहीं कि बॉन्ड एफिडेविट न मैंने बॉन्ड गोटे तुम लिख कि धर मुझे जो सर्टिफिकेट देखा सब ट्रू सर्टिफिकेट गोटे तार फॉर्मेट आसो व्यस्त हो दरकार नहीं आलटमेंट आसला पर तुम काउंसलिंग जो जीवा पूर्व गोटे फॉर्मेट आसो ये बॉन्ड कर एफिडेविट कर जदि भी तुम भूल हो जाए किसी ओरिएट होगा दरकार नहीं ओजे सेल सेजे बनइबे क्लीअर ये गला जो मानक न्यूली आलर्ट हो जो मानक जो पिलांर धर अपग्रेडेशन मैंने फास्ट राउंड से आलर्ट होता से ओजे सेल को जाते एंड से एडमिशन करते प्रोविजनल एडमिशन लेटर आणिक रखिंट पाखे से अपग्रेडेड कैंडिडेट जेहेतु से कौन नहीं पड़ो तो ये मुझे लिखिद अपग्रेड कैंडिडेट मानक कौन नहीं पड़ो तो जेहेतु तुम सी एल सी से रखिथे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तो तुमको कौन कर पड़ो ना जो प्रोविजनल प्रीवियस एडमिशन लेटर जो कॉलेज तुम प्रीवियस पाई जो कॉलेज पाई तुम ओजे सेल को जाकि एडमिशन कर प्रीवियस एडमिशन लेटरटा रखर हो कौन ना तुम बॉन्ड एंड एफिडेविटा जो प्रीवियसली जो कॉलेज बॉन्ड एफिडेविट कर सी चलो तो आउ थे बॉन्ड एफिडेविट करदेव नक पारे से करेंगे क्लीअर कितु रेडी करके दरकार जदि तुम गोटे पिलार प्राइवे सेमी गवर्नमेंट हाईटेक भुवनेश्वर होता तार अपग्रेडेशन हो गवर्नमेंट होती गवर्नमेंटर फीस गोटे पेमेंट देदेक पड़ो कि गवर्नमेंटर फीस गोटे डिमांड ड्राफ्ट बनई देवा पड़ो प्राइवेट फीसटा सी रिफंड आस 6.5 जहाँ भी देव 5.5 6.5 क्लीअर आउ बाकी रहा कौन जदि जो पिलार तुम जेहेतु सब सर्टिफिकेट गुड़ाक रखिथे कि रखिथे तो तेणुक तुम पाखे जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अच्छी से सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुमको नहीं जीवा पड़ो है मोस्टली हूँ प्रोफेशनल अलॉटमेंट लेटर विथ जहाँ डॉक्यूमेंट जब तुम टेन्थ प्लस टू सर्टिफिकेट युवा सब रखिथे से गुड़ा सब तुम से अच्छी किसी प्रोब्लेम नहीं कि जो गुड़ाक सब तुम पाखे अच्छी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ताक नहीं पड़ो कैटेगरी सर्टिफिकेट रेसीडेंट जहाँ भी जहाँ अच्छी क्लीअर किसी ओरिएट होगा दरकार नहीं जो मानकर प्रीवियसली अलॉटमेंट एडमिशन होने कौन कारण एडमिशन कटाजी ना तापर चलो ये सब डॉक्यूमेंट कथा गला डॉक्यूमेंट रेडी कर बॉन्ड एफिडेविट नुआ कर बनइब ये सब गला इंस्ट्रक्शन पढ़ा कौन द न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट सुड एक्सरसाइज द ऑप्शन तो ये आमर क्वेश्चन आसी थर्ड राउंड रे जो पिलामानकर अलॉटमेंट आसी तो थर्ड राउंड पिलामानकु नुआ करके जो मैंने अलॉटमेंट आम कौन फ्लोट ऑप्शन दे पारे कि तो जेहेतु ये इंस्ट्रक्शन से लिखिंट न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट सुड एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर फ्लीज और फ्लोट तो थर्ड राउंड पर भी गोटे पिला चाहिए फ्लोट ऑप्शन दे पारे लिखाई यूजिंग द लॉगिन आईडी व्हिच मे रिक्वायर इफ अपग्रेडेशन राउंड विल बी कंडक्टेड दैट इज फ्रीज यूजिंग द लॉगिन आईडी देखिए तुम फ्रीज और फ्लोट दे पार व्हिच मे रिक्वायर इफ एनी अपग्रेडेशन राउंड विल बी कंडक्ट जदि कौन अपग्रेडेशन राउंड कंडक्ट करमर यहाँ हेल्पफुल हम जो मैंने अपग्रेडेशन देवाक चाहो दे पार जितेबाला तुम आलटमेंट का आसो फाइनाल आलटमेंट आसला से शो करा बोथ फ्लोट एंड फ्रीज ऑप्शन देन जो फ्लोट ऑप्शन जो दब तीन अपग्रेडेशन राउंड कराऊँगी तुम अपग्रेडेशन हो पार है इफ इफ एन अपग्रेडेशन राउंड विल बी कंडक्टेड जदि कौन से अपग्रेडेशन राउंड कंडक्टेड कराऊँगी तुम जब फ्लोट ऑप्शन दे थो तुम मे बी अपग्रेडेशन हबार पार ना तो जो कॉलेज रही से कॉलेज रटिया चान्स नहीं हो तापरे एडमिशन फीस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अलॉटेड कॉलेज हाँ एडमिशन फी तुमको दबा पड़ो जेहेतु ओजे सेल को जीवर गोटे पिला गवर्नमेंट कॉलेज होता तो गवर्नमेंट कॉलेजा अपग्रेडेशन से गोटे गवर्नमेंट कॉलेज कौन से एडमिशन फी दबा पड़ो ना कारण सब गवर्नमेंट कॉलेज सेम फीस किंतु जदि गोटे सेमी गवर्नमेंट होमी गवर्नमेंट रू तार गवर्नमेंट होती गवर्नमेंट फीसटा नहीं पड़ो सेमी गवर्नमेंट फीसटा रिफंड आसो है तो आज जो मानक नुआ करके से गवर्नमेंट कॉलेज नुआ कर आलटमेंट हो थर्ड राउंड से गवर्नमेंट कॉलेज फीस ने मस्ट बी पेड आइदर ऑनलाइन जो ऑनलाइन भी पेमेंट करपर और बाय द डिमांड ड्राफ्ट जोटा मुझे कहली इन केस ऑफ ड्राफ्ट जदि तुम ड्राफ्ट करुच इट सुड बी इन द फेवर ऑफ ओजे ओजे फर में तुम से ड्राफ्टा कर ड्रन एट एनी शेड्यूल बैंक पेबुल और भुवनेश्वर तो एनी बैंक पेबुल जो बैंक भुवनेश्वर में लगे हेब द नेम एंड द नीट आप्लिकेसन नंबर अफ द कैंडिडेट टू बी मेनसन अन् द बैक्साइड अफ ड्राफ्ट ड्राफ्टर पचपटे तुम ना
एंड तुम नीट आप्लिकेसन नंबर को मेनसन करार अच्छी एंड द ड्राफ्ट इज टू बी सबमिटेड ओजे अफिस एट द टाइम अफ रिपोर्टिंग एमती ना कि तुम पैसा नहीं ना एंड रिक्वेस्ट करदेवि सेमती हो पारे तुम एडमिशन बेले तुम तुम ड्राफ्टा से दबा पड़ो तुमको बाध्यतामूलक एंड ड्राफ्ट्रे तुम ना एंड नीट्र आप्लिकेसन नंबरटा लिखा दरकार क्लीयर ताप चल नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट बॉन्ड तुमर ऑल सर्टिफिकेट माने तुम टेन्थ सर्टिफिकेट तुम प्लस टू सर्टिफिकेट तुम जहाँ भी जो रेसीडेंट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट एंड तुम मार्कशीट बॉन्ड एज मेंशन्ड इन द गाइडलाइन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विथ अनदर सेट ऑफ फोटोकॉपी सबू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ फोटोकॉपी मीन्स जेरॉक्स सह नहीं जावाक पड़ो ड्यूरींग द प्रोविजनल एडमिशन ओजे सेल को जो जाऊ प्रोविजनल एडमिशन जो जो टाइम दिखाई उन्नीस कोड़े एक तीन दिन भितर जार जो टाइम से ही टाइम भितर तुमको सब डॉक्यूमेंट को लेकर ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी नहीं जावाक पड़ो आधार कार्ड सह सब क्लीयर यस देन ऑन डिपॉजिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फीस एंड सबमिशन ऑफ नेटिविटी सर्टिफिकेट एंड सीएलसी इन द ओरिजिनल ऑन डिपॉजिट ऑफ तुमको सीटी कौन ना तुम एडमिशन फीस तुम नेटिव सर्टिफिकेट रेसीडेंट सर्टिफिकेट एंड तुम सीएलसी ओरिजिनल फॉर्म रे तुमको दबाक पड़ो ब्लाक अक्षर लिखाई क्लीयर द कैंडिडेट विल रिसीव द प्रोविजनल एगुड़ा जो तुम से डॉक्यूमेंट गुड़ाक सब सबमिट कर तो एडमिशन सरलापर कैंडिडेट गोटे रिसीव कर कौन प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम द ओजे ऑफिस ओजे ऑफिस गोटे प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया हबो विथ ए एक्नॉलेज ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स कि तुम जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करापाई गोटे तुमको सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स दि माने गोटे डॉक्यूमेंट माने तुम यही जिनस डॉक्यूमेंट सबमिट करके आसल बोली गोटे तुम गोटे पेपर में लिखा हे तुम यही डॉक्यूमेंट देल आज सेल वाला तुम यही डॉक्यूमेंट रखिले है विथ एक्नॉलेजमेंट ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट हेलो आइदर द कैंडिडेट एलोन और विथ वन ऑफ हिज शुड कम कैंडिडेट निजे जापर कि तार जेकोसी पेरेन्ट्स को लेकर भी जापर विथ द डिमांड ड्राफ्ट नहीं जावाक पड़ो ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द ओजे ऑफिस सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं जावाक पड़ो ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम टू कंप्लीट फॉर्मेलिटीज ऑफ प्रोविजनल एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन जो सब फॉर्मेलिटीज अच्छे कंप्लीट कराइक पड़ो कैंडिडेट आर एडवाइज टू नॉट टू रिपोर्ट एट देयर अलॉटेड कॉलेज कैंडिडेट मानक आलर्टेड कॉलेज को जीवाक ना से भूल भाविदेन कि मोर यही कॉलेज को डायरेक्ट पलि ना एवं तुम कॉलेज को जीवा ना कॉलेज जबार नोटिफिकेशन आसो बर्तमान पर तुम ओजे सब कथा सरु सो ये पॉइंटा इंपोर्टेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नॉट टू रिपोर्ट एट देयर अलर्टेड कॉलेज एट दिस स्टेज एंड देयर बाय मस्ट विल टिल रिपोर्टिंग नोट ऑफ ओजे तेणुक कॉलेज को जीवा दरकार नहीं बर्तमान पर तुमको ओजे सेल को जीवाक पड़ो क्लीयर जो मैंने अपग्रेडेशन हो नुआ करी है जो मानक तो फ्रीज अप्सन जो मैंने अपग्रेडेशन होनी से किसी करा पड़ोनी से जीवा पड़ो ना आफ्टर ए फाइनाल काउनसलींग इज ओभर जितेबाला काउनसलींग ओभर होजे विल सेंड द लिस्ट अफ आडमिटेड स्टूडेंट्स एलंग विथ आडमिशन ओजेईर जपर्यंत जितेबाला सब आडमिशन सरीज ओजे कह मोर फास्ट राउंड पिला आडमिशन सेकेंड राउंड थर्ड राउंड अपग्रेडेशन पिला इतनी सबूर डकु सबूर लिस्ट पठेदेव कॉलेज को विथ एडमिशन फीस एंड तुम जो जो डॉक्यूमेंट तुम पाखे रखी थे सब डॉक्यूमेंट पैक करके पठेदेवे तुमको ओजे को जाकि डॉक्यूमेंट को लेकिन जावाक पड़ो ना से पठेदेवे इंस्टीट्यूशन मान क्लीयर यस तापर चलो नेक्स्ट इफ एनी अमाउंट इज टू बी रिफंडेड टू कैंडिडेट्स इफ एनी अमाउंट इज टू बी रिफंडेड टू कैंडिडेट जदि किसी अमाउंट कैंडिडेट को रिफंड करार अच्छी इट विल बी डन आफ्टर द फाइनाल एडमिशन डेट फाइनाल एडमिशन पर रिफंड कर रिफंड विल बी प्रोसीड बाय द ओजे एंड पेड टू द कैंडिडेट्स एज पर द गवर्नमेंट प्रोसीजर ओनली फर द स्टूडेंट सिफ्टिंग फ्रम प्राइट टू गवर्नमेंट तो कौ पिला को रिफंड मिले जदि गोटे पिलार प्राइट रे एडमिशन हो प्रिवियसली कि सी अपग्रेडेशन कि गवर्नमेंट पाई तो जेहेतु प्राइट्र फिज हो 6.5 हो कि 5.5 हो तो यही फिजटा को सी रिफंड करदे जो पिला गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो पिला गवर्नमेंट रु अपग्रेडेशन कि गवर्नमेंट को जाइए जेहेतु सेम फिज से रिफंड हम ना नेक्स्ट कैंडिडेट अलर्टेड ए सीट एंड नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव पॉइंट्स विल बी ट्रीटेड एज नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट जदि कैंडिडेट जो सीट अलर्टेड हो कैंडिडेट जो गोटे सीट मिली
एंड नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव पॉइंट्स जदि कौनसी अबव पॉइंट को से फॉलो करूनी ताले ट्रीट करा जीवो कैंडिडेट इज एब्सेंट और नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट एंड अलॉटेड सीट विल बी कैंसल सीट को कैंसल करा जीवो जदि जने जाउनी ठीक टाइम रे किंबा तार कौनसी डॉक्यूमेंट रे प्रॉब्लम अछि ब्लैक अक्षर लिखा है कौन कैंडिडेट्स हु हैड रिपोर्टेड जी रिपोर्ट करिथिले एंड रिटेन देयर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट विदाउट एनी अपग्रेडेशन जो मैंने प्रथम राउंड रे सीट पाई एंड प्रथम राउंड रे सीट पाईगला परे से मैंने फ्रीज मारी थिले फ्रीज बा रिटेन करते से सीटा को फिक्स करते और हैड बीन रिपोर्टेड फर्स्ट राउंड एंड ऑप्शन जो मैंने प्रथम राउंड रे एडमिशन नहीं थिले आ फ्रीज ऑप्शन देते फिक्स करते और जो मैंने फर्स्ट राउंड रे एडमिशन फर्स्ट राउंड रे अलॉटमेंट पाई ओजेसएल को जाकि एडमिशन नहीं थिले किंतु फ्लोट देते दुटा कंडीशन धर एक्स नामक गोटे पिला वाई नामक गोटे पिला जी हूँ कौन ना फर्स्ट राउंड रे कॉलेज पाइला ओजेई गला फिक्स कला ये कौन ना फर्स्ट राउंड रे कॉलेज पाइला ओजेई गला फ्लोट देला निन्न टू कम टू ओजेई ऑफिस भुवनेश्वर दिस कैंडिडेट जो कैंडिडेट मैंने रिटर्न देयर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट विदाउट एनी अपग्रेड जो कैंडिडेट मानकर कौन सी अपग्रेडेशन है अपग्रेडेशन ऑप्शन देती किंतु अपग्रेडेशन है किंबा से फ्रीज करछि नीड नॉट टू कम टू ओजे ऑफिस भुवनेश्वर दिस कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर फाइनल अलॉटमेंट लेटर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग नोटिस बाय ओजे तेणुक से पिला को आसा पड़े ना तुम तो अपग्रेडेशन है तुम कहीं जीव से कथा लिखाई क्लीयरली है जदि फास्ट राउंड अलॉटमेंट जो मानकरी जी रिपोर्ट करते रिटर्न देयर फास्ट राउंड विदाउट एनी अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन है और हैड बीन रिपोर्टेड फास्ट राउंड एंड ऑप्शन फॉर फ्रीज नॉट टू कम जो मैंने ऑप्शन फ्रीज ऑप्शन देते किंबा सेमानकर कोनसी अपग्रेडेशन हेइनी तेणुकर से मानक आसवाक पड़ब ना से ओजे साइट रु फाइनल अलॉटमेंट लेटरटा दैट इज डाउनलोड करें चलो नेक्स्ट ऑल अपग्रेडेड कैंडिडेट हैव टू कम विथ रिवाइज्ड बॉन्ड जो कैंडिडेट मानकर अपग्रेडेशन हेइछि धर सेकंड राउंड रे गोटे कॉलेज मिलता थर्ड राउंड बेलू गोटे कॉलेज नुआ अपग्रेड हेइछि विथ रिवाइज्ड बॉन्ड बॉन्डटा को रिवाइज करने को पड़ो कहीं बॉन्ड्रे तुम जो प्रीवियस कॉलेज थी से प्रीवियस कॉलेज रा ना थी न्यू कॉलेज जो होइछि न्यू कॉलेज रा ना देवा पड़ो एंड टू सरेंडर द ओल्ड एडमिशन लेटर से ओजे सेल रे तुम ओल्ड एडमिशन लेटर बा प्रोविजनल एडमिशन लेटर जोटा ओजे देता प्रथम कॉलेज से सरेंडर करार अच्छी विथ न्यू वन कैंडिडेट सेटा को सबमिट दब प्लस तुम जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर दुटा को दब से कैंडिडेट्स हु हैव अपग्रेडेड देयर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड अलॉटमेंट टू ए कॉलेज व्वेयर फीज इज मोर दैन प्रिवियसली डिपोजिटेड नीड टू डिपोजिट एक्सट्रा फी इन द डिमांड ड्राफ्ट एट द ओजेसएल जो पिला प्राइवेट कथा कहुचे धर प्राइवेट गोटे पिला होता से अपग्रेडेशन होकर तार गवर्नमेंट मिली तेणुक प्राइवेट पर जो फीस देता से फिजटापी गवर्नमेंट रे कौन हम तार कम फिज अच्छी तेणुक से गवर्नमेंट फीसटा देदेव प्राइवेटा रिफंड आसो किंतु जदि फीसटा कौन केस बढ़ी मैंने यहाँ इंटरेस्टिंग कथ जड़े जन गवर्नमेंट हो थोड़ी ना तार प्राइवेट हे लिखाई हो जदि तार प्रिवियस फीसटार किसी गोटे बढ़िया फीस दबा पड़ी तेल एक्सट्रा फीस दब नेक्स्ट सिमिलरली द कैंडिडेट्स अपग्रेडेड फ्रम प्राइवेट टू गवर्नमेंट जो मानक प्राइवेट टू गवर्नमेंट होती ओजेसएल को जवाब पड़ो एट गंडगुंड भुवनेश्वर डिपोजिट द्वारा बैंक डिटेल्स फर द रिफंड जो मानक प्राइवेट टू गवर्नमेंट होती तो सेमानकु तो रिफंड होबार अछि तो सेमानक मनीटा केमती रिफंड हबो सेमानक ओजेसएल को जिबा पड़िबो लिखाई छि रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेमानक ओजेसएल को जिबा पड़िबो एट गंडगुंडा भुवनेश्वर जो 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 डेट तुमको दिया छि हाईटेक पई हो कॉलेज डिफरेंट कॉलेज पई हो सेही डेट रे जिबो तुमरो रिफंड हबो जो एक्स्ट्रा अमाउंट तोर 6.5 तुमरो देइथिलो किंतु गवर्नमेंट हे गला तो 6.5 तो रिफंड होबार अछि ना तो रिफंड होबा पई तुमको कॉलेज जिबाक पड़िबो क्लियर यस फी स्ट्रक्चर होती तुम्हें देती 37,950 हो गवर्नमेंट पर एनम हाईटेक 6.5 भुवनेश्वर 5.5 ड्रीम्स 6.5 क्लियर द फीज इज टू बी डिपोजिटेड फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज 3 लाख पर एनम एनआरआई कैंडिडेट हाव टू पी 4 times 6.5 lakh जो हो 4 times अधिक दबा पड़ो एनआरआई कैंडिडेट मान को पर इयर हैला एंड द एडमिटेड कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट में एडमिशन हैव टू डिपोजिट 3500 टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी
ତାହେଲେ ତୁମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଟ୍ ଦିଅର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଯଦି ତୁମେ ତ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯିବ, କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବ, ତୁମେ ଗୋଟେ 3500 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ରିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍, ଦ ସେମ୍ ସାଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପ୍ଲିକ। ତ ଯଦି କୌଣସି କଲେଜରେ ଫିକୁ ନେଇକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।